गलती हमसे हुई है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने बाबा को सरदाब के बारे में क्यों बताया? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम क्यों आए हमारे पास? तुम जाओ यहाँ से। हमसे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुम क्या बात कर रहे हो? हमको बताओ। तुम नहीं चाहता हम साथ। तुम चले जाओ यहाँ से। हमको तुमसे बात नहीं करना। तुम आएंगे हमको अपना शक्ल नहीं दिखाना। ये तुम हमारे साथ कैसा कर सकते हो? जाओ यहाँ से। सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। जाना तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में छाई रही खिजां हम पे बहारों में जिसे है रोक के रखा हुआ जिसे है रोक के रखा खुश्क सी आंखों में समंदर व छुपा गम भरा जा कुर्बान जाना तुझ पे पलविशा क्या बात तुम यहां इस तरह क्यों बैठा जो तुमको छोड़ के चला गया वो हमको भी रुला के चला गया उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया मजबूर था वो तुमको बेशक उसने अपनी मर्जी से न छोड़ा लेकिन हमको तो अपनी मर्जी से रुला के किया तुम दोनों को तो खुदा ने जुदा किया हमसे तो खुद ही उसने मुंह मोड़ लिया हुआ क्या है हमको बताओ उसने हमारा दोस्ती पे शक किया है हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया जान हथेली पे रख के हमने उसका मदद किया है हर हाल में हर बात में उसका साथ दिया नाराजगी हो जाता है ये तुम्हारा दोस्त हम लानत भेजते ऐसा दोस्ती पे हमने तो कभी उसका गलत नहीं सोचा ना कभी हमने उसको नुकसान पहुंचाया फिर उसने हम पे शक क्यों किया तो परमेश्वर हुआ क्या है कुछ बताओ तो सही बहुत मुश्किल से हम उसके घर पहुंचा हमने एक दूसरे से वादा किया था हम एक दूसरे को अपने हाथों से दुल्हन बनाएगा तो फिर क्या हुआ बहुत मुश्किल से हमको एक दूसरे से मिलने का मौका मिला उसने पूछा कि बाबा को जरदाब के बारे में किसने बताया हम उसको सारी बात बताना चाहता था बस अभी हमने इतना ही कहा था कि गलती हमसे हुआ है उसने हमारी तरफ नफरत से देखा हम पे शक किया गलतफहमी हुआ जब उसको असल बात का पता चलेगा तो उसका दिल साफ हो जाए लेकिन अब हमारा दिल कभी साफ नहीं हो सकता हम उसको कभी माफ नहीं करेगा ऐसा नहीं सोचते गलती इंसान से ही होता हम भी साथ खून माफ कर सकते हैं मगर ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते
हमारी दोस्ती उसने गाली दी है, इल्जाम दिया है, अब दोस्ती खत्म। बलवशा इतना सख्त मत बन, शायद हम तो कभी नहीं मिल पाएगा उससे, मगर तुम तो उसका हमदर्द है, तुम तो उसका सब कुछ है, उसका माँ भी है, उसका बहन भी है और उसका सबसे अच्छा दोस्त है। बस खत्म, अब हम उसका दोस्त नहीं है, दुश्मन है।